हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करूंगी। तो ये कटिंग मैं अस्तर पे करूंगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से टू फोल्ड करेंगे। बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड दूसरी तरफ। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और यहाँ से ब्लाउज की लेंथ लेनी है। जितनी ब्लाउज की लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। यहाँ पे लेंथ है 13 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे और 14 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और दोनों निशान को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैं डीप नेक बनाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिया है शोल्डर 5.5 इंच और एक निशान यहाँ से भी लगाएंगे 5.5 इंच पे। और आर्म होल यहाँ पे लेना है 5.75 इंच इस तरह से। और यहाँ से चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें चेस्ट का फोल्ड लेना है। चेस्ट है 36, उसका फोर्थ होगा 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। यहाँ से वेस्ट का फोल्ड लेना है। वेस्ट है 32 इंच, तो उसका फोर्थ होगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट पे जो प्लेट डालते हैं उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और इस निशान को ऐसे सीधा करके आर्म होल से मिला देंगे। आर्म होल को आधा हाफ इंच डाउन करेंगे और शोल्डर को भी हाफ इंच नेक की तरफ डाउन करेंगे और निशान को सीधा करेंगे इस तरह से। यहाँ से मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करके और बैक आर्म होल के लिए शेप देना है इस तरह से। ये बैक का आर्म होल है। और अब हम प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पे और इसकी लेंथ भी 4.5 इंच ही होगी। सेंटर लाइन से हाफ हाफ इंच दोनों तरफ लेके इस तरह से मार्किंग कर लेंगे प्लेट्स के लिए। तो अभी हमें लेना है नेक विड्थ 2 इंच पे और यहाँ पर हमें ये बैक पार्ट है तो उसकी लेंथ लेनी है हमें 9.5 इंच पे और विड्थ नीचे से मैंने ली है 3 इंच। और इन दोनों निशानों को सीधा मिलाएंगे और राउंड बी शेप देना है इस तरह से। मार्किंग हो गई है, अब हम कटिंग कर लेंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से और 1 इंच पे मार्किंग करके और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें बैक पार्ट को इस 1 इंच के ऊपर ही रखना है इस तरह से और सेम ऐसे मार्किंग कर लेनी है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम बैक पार्ट को हटाएंगे और आर्म होल के लिए फिर से मार्किंग करेंगे। लाइन को सीधा करके हाफ इंच अंदर को मार्क लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे 1 इंच पे इस तरह से। यहाँ पे अब नेक के लिए मार्किंग करनी है 2.25 इंच पे और नीचे से 3 इंच पे मैंने लिया है। और फ्रंट नेक है 6.5 इंच लेंथ और इस तरह से हम राउंड शेप देके इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पे और इधर से हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे 4 इंच पे नेक की तरफ से और दूसरी साइड से हमें 3 इंच पे लगाना है मार्क। एक निशान यहाँ पर भी हम 3 इंच पे लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे पहले और 2.5 इंच पे मार्किंग करके और यहाँ से ऐसे राउंड शेप दे देंगे बेल्ट के लिए। और अब हमें कटोरी के लिए मार्किंग करनी है 6 इंच पे। एक निशान यहाँ पर भी हम लगाएंगे 6 इंच पे और दोनों निशान को सीधा करेंगे। और अब हमें बैक आर्म होल से 2.5 इंच नापना है और निशान लगाना है। इधर से 5
0.25 इंच पे मार्किंग करी और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। और यहाँ से हमें हल्का सा राउंड शेप दे देना है कटोरी के लिए। यहाँ से हमें अब सेंटर निकालना है कटोरी की। 6 इंच की कटोरी है तो 3 इंच पे मार्किंग करके और टक्स पॉइंट के लिए मार्क कर लेंगे 10.5 इंच में, और इस निशान को सीधा करेंगे। तो अभी मार्किंग हो गई है तो हम अब कटिंग करेंगे। सबसे पहले बेल्ट की कटिंग करेंगे। और नेक और आर्म होल से कटिंग करते हुए इस तरह से कट कर लेंगे कपड़े को। अब हमें कटोरी कट करनी है तो इस तरह से अब हमें कटोरी की साइज को बढ़ाना है। तो कटोरी को इस तरह से रखेंगे और एक कपड़े पर देखिए इस तरह से। तो आप हमेशा कटोरी कट करते समय इसका ध्यान रखें कि और एक कपड़े पर ही कट करें, और 1.25 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड से कटोरी के, और सेंटर पॉइंट पे इस तरह से, और सेंटर पॉइंट पे हमें 1.5 इंच लेना है इस तरह से। और सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट को सीधा करेंगे और सेंटर लाइन से दोनों तरफ हम मार्किंग को मिला देंगे। और कटोरी के ऊपर साइड से हम हाफ हाफ इंच लेंगे और इस तरह से निशान को सीधा करेंगे, और दूसरी साइड ऊपर से थोड़ा और नीचे से ज़्यादा लेते हुए इस तरह से राउंड सर्कल बनाना है। तो कटोरी की मार्किंग हो गई है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि 1 फुट का मार्जिन बचे, और 1 फुट और एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। 6 इंच की कटोरी है तो 3 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ इंच, हाफ 6 का हाफ लेंगे यहाँ पे तो 3 इंच आएगा, और उसे हम टक्स पॉइंट से मिलाना है। तो सबसे पहले टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे इस तरह से, और 3 इंच वाले निशान को टक्स पॉइंट से मिला देंगे। और यहाँ पे हमें कट लगा लेना है, तो इससे हमें दोनों पार्ट पे निशान बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से कटोरी भी कट चुकी है। अब हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। ये कपड़ा फोर होल्ड है, और आर्म होल की हम पहले इस तरह से आर्म होल को मेजर करेंगे, हाफ इंच ऊपर ऊपर से छोड़ते हुए शोल्डर की तरफ से, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर 8 इंच आ रहा है आर्म होल, तो हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे लेना है 8.5 इंच पे। लेंथ में यहाँ पे ले रही हूँ 5 इंच, 4 इंच की स्लीव बनाऊंगी तो 1 इंच प्लस करके ले रही हूँ। और इस निशान को अब हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच डाउन मार्क करेंगे, और यहाँ से हमें स्लीव का शेप देना है इस तरह से, और एक बार और मेजर कर लेंगे 8.5 इंच पे, और 2 इंच हमें लेना है जो हमने फ्रंट और बैक पर लिया था एक्स्ट्रा मार्जिन, उतना ही यहाँ पे भी लेना है। और यहाँ से हम स्लीव ग्राउंड नापेंगे 6 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर लेके आर्म होल से मिला देंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और स्लीव को ओपन करके फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर से मार्किंग करनी है, और इस तरह से निशान लगा लेना है और कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से सारे पार्ट कट चुके हैं, देखिए। और अब हमें इसे मेन फैब्रिक पे कट करना है, तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करें
और बंद वाली साइड से इस तरह से बैक पार्ट को कट करें, और कपड़े को भी एक्स्ट्रा ही कट करना है थोड़ा, तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जोड़ने में आसानी होगी। इस तरह से ये मेरी वीडियो कंप्लीट हुई कटिंग की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।